विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। भाई आ गई हमारी ट्रेन बोगीबिल ब्रिज पे। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह देखो तो बहुत ही खतरनाक। डर डर लग रहा था भाई, मेरे को भी डर लग रहा था। एक चीज कहना चाहिए, नॉर्थ लखीमपुर पे, बाकी बाहर यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के बाहर के ट्रेन के साथ ये हो गई भाई कपलिंग। नाहरलगुन अगर आप कभी आ रहे हो, अरुणाचल प्रदेश आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। यहीं पे बन जाता है आपका इनर लाइन परमिट, ये याद रखना ब्लू वाला होगा, ब्लू टाइप कैसे बनूंगा। और देखो यहाँ पे हमने भी अपना इनर लाइन परमिट बना लिया है भाई। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल हम खड़े हैं असम के डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पे और आज यहाँ से एक ट्रेन जर्नी करने वाले हैं, नाहरलगुन जाने वाले हैं। ट्रेन नंबर हो गया 15907, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ के बीच में चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। आज इस ट्रेन का जर्नी करने वाले हैं और वर्चुअली आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के बारे में। अगर आप कभी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ ये, पहले से आपका रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री बुक होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ आपके साथ तो आप रात भर इधर उधर भटकोगे, जो कि हमारे साथ हुआ। हमारे साथ क्या हुआ था कि हमने तो लास्ट मोमेंट में टिकट लिया था। जैसा कि अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हुआ तो हम कामरूप एक्सप्रेस की जर्नी करके डिब्रूगढ़ आए थे। ट्रेन हमारी रात 10 बजे पहुंची थी यहाँ, लास्ट मोमेंट पर टिकट कराए थे भाई उसका, तो डोरमेट्री बुक नहीं कर पाए, डोरमेट्री फुल हो गया था। डोरमेट्री का जो बेड है यहाँ पे सिर्फ 4 है और रिटायरिंग रूम भी सिर्फ 2 है, तो मिला नहीं हम लोगों को कुछ, सब बुक हो गया था। और स्टेशन के बाहर क्या है कि दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना मार्केट है ना होटल है। एक होटल भी है तो बहुत दूर है स्टेशन के बाहर, भैयात सा होटल है, रेट उसका बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमने ये सोचा कि हम रात भर स्टेशन पर ही बिताए, तो रात भर स्टेशन पर ही बिताए थे। और दूसरा चीज़ ये बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे खाने पीने का भी चीज़ आपको अपने तरह का नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज मिलेगा, तो जो लोग वेज खाते हैं उनको दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ पहले से अगर आप इंतजाम करके आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो मेरे साथ जो घटना घटा था हम सोचे कि आप लोग के साथ नहीं घटे, इसलिए हम आप लोग को बता दिए भाई। बाकी चलिए आज चलते हैं, इस ट्रेन की जर्नी करते हैं। रूट खास होने वाला है, इसी रूट से आपको दिखाने वाले इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोगीबिल की, वो भी आपको दिखाएंगे। ट्रेन बस कुछ ही समय में हमारी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो चलिए अब चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर और इस शानदार जर्नी की शुरुआत करते हैं। हमारी ट्रेन को 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इसको 4 नंबर पे लाया गया। देखिए यही ट्रेन हमारी खड़ी है और आज हमारी जर्नी जो होने वाली है एसी चेयर कार में जर्नी होने वाली है। तो चलिए भाई चलते हैं अंदर और आपको इंटीरियर और दिखाया जाए और जर्नी की शुरुआत किया जाए। आज हमारी ट्रेन को लिंक किया गया है WDP4D के साथ। सिलीगुड़ी लोको शेड का ये डीजल इंजन है जिससे आज हमारी ट्रेन को नाहरलगुन तक जाने वाली है। देखिए चलते हैं। निर्धारित समय 3:05 पे हमारी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म से डिब्रूगढ़ के निकल पड़ी है, नाहरलगुन जाने को बिल्कुल तैयार। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो रूट होने वाला है बहुत ही कमाल का रूट होने वाला है, बहुत ही खास रूट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भी पहली बार इस रूट पर जा रहा हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का ही है, तो आप लोग को भी डिजिटली शेयर करा दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं, मज़ा बिल्कुल आने वाला है। चलिए की शुरुआत हो चुकी है आप लोगों के लिए। बाकी देख लीजिए यहाँ सामने लगी हुई अपनी कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, जो कि इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। अब ये ट्रेन डेली चलने वाली है, डेली बेसिस पे ये ट्रेन अब चलने वाली है। बाकी इधर सारे ट्रेनों में डीजल इंजन ही लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक का भी काम इधर हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो चुका है, लेकिन फिर भी देख डीजल इंजन पे ही चलती है सारी ट्रेन। चलिए इसी के साथ फाइनल डिपार्चर हुआ हमारा डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से। बाय बाय डिब्रूगढ़, फिर मिलते हैं। जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं अब दोबारा यहाँ पे आ पाऊँगा भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस रहा ना मेरा बहुत ही बेकार रहा, तो इस वजह से अब भी मत नहीं हो रहा मेरा, यहाँ दोबारा आऊँगा, एक बार आऊँगा जरूर विवेक एक्सप्रेस कवर करने। वैसे अगर कोच की बात की जाए साफ सफाई मेंटेन है। चलिए अब आपको अंदर का इंटीरियर और दिखा देते हैं। एसी चेयर कार का 2x3 का कॉम्बो होता है इधर, और आज की हमारी जो सीट होने वाली है, सीट होने वाली है जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं आज पूरा वर्चुअली, आपको भी जर्नी दिखाने वाले हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा, शानदार जर्नी की शुरुआत आप लोगों के लिए हो चुकी है। और यहाँ पे रेक खड़ा है डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ का रेक खड़ा है यहाँ पे, ये ट्रेन भी डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ के बीच में चलती है। नदी पे बना इंडिया का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज, जो कि है बोगीबिल, बस कुछ ही समय में आने वाला है, वो आपको दिखाते हैं
दोस्तों अब हम बोगीबिल पे पहुंचने ही वाले हैं। ये जो रोड है यही रोड जाता है और हमारी ये रेल लाइन, ये दोनों मिलके बनता है इंडिया का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज। ये देखिए रोड अब ऊपर ब्रिज पे चढ़ने जा रहा है और हमारी ट्रेन भी ऊपर प्रवेश करने जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना यह इंडिया का सबसे बड़ा रेल कम रोड ब्रिज है। ये अपना रोड ब्रिज और हम रेल ब्रिज के माध्यम से रेल ब्रिज पे बढ़ने वाले हैं। देखिए रोडवेज वाला ब्रिज कनेक्ट कर रहा है जाके अब अपने बोगीबिल ब्रिज में, और हमारी ट्रेन अब इंटर कर चुकी है बोगीबिल ब्रिज के अंदर। सामने आपको दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्र नदी, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए भाई आ गई हमारी ट्रेन बोगीबिल ब्रिज पे। अपनी इंडिया कितनी डेवलप कर चुकी है इससे आप अंदाजा लगाइए। अभी आपको पता है कुछ ही दिन पहले चेनाब ब्रिज का भी ट्रायल रन सक्सेसफुली हो चुका है। तो एक चेनाब ब्रिज जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बना है, और ये था अपना बोगीबिल ब्रिज जो इंडिया लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज था। क्या था कि मेरा सीट जो था आगे था, तो वहाँ पे कुछ फैमिली वाले बैठे थे, तो उनके सामने शूट करने में आप समझ रहे हो ना किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता, तो अभी आ गए हैं। पीछे शशांक भाई भी बैठे हुए हैं। ब्रिज का कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? भाई साहब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। डर लग रहा था भाई मेरे को, तो मेरे को भी डर लग रहा था। एक चीज़ कहना चाहिए, अगर कोई हमारी बरादरी वाला देख रहा हो ना, रेल फैन या रेल ब्लॉगर, और आप फर्स्ट टाइम इधर आ रहे हो ना भाई, मोबाइल ब्रिज पे कैसा लगा? जितना टाइट पकड़ सको उतना टाइट पकड़ना, वरना उड़ जाएगा फोन। भाई ब्रिज देखने में तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाँ उतना ही खतरनाक है। अगर भाई एक बार फोन गया तो भाई कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। खुद भी गया तो भूल ही जाओ। हाँ नीचे इतनी बड़ी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी भाई, और लहर बहुत ही तगड़ी वाली लहर। तो इसलिए भाई अंदर से अगर आपका नहीं हो इतना आइडिया, तो भाई अंदर से ही देख लें हम लोग। हाँ वैसे भाई बहुत ही बढ़िया बोगीबिल ब्रिज, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए अपना इंडिया लॉन्गेस्ट रेलकम रोड ब्रिज। आपको तो पता है हमारा तो काम ही इन सब सारी चीजों को एक्सप्लोर करना आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने भाई बिल्कुल सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए ये चीजें रिकॉर्ड करते बिल्कुल। तो आप ये हमारी तरह हरकत मत कर देना, हम लोग को आदत भी होता है और हम लोग को एक्सपीरियंस भी इन सब चीज़ को करने का। बाकी कोच इंटीरियर की अगर बात की जाए, आपको कोच इंटीरियर दिखा दूँ। कोच इंटीरियर की बात की जाए, देखिए आपको इधर दो सीट मिल जाएगी और इधर थ्री मिल जाएगी। आप इसको 3x2 का कवर कर सकते हो। बाकी यहाँ ऊपर आपको रीडिंग लाइन मिल जाएगी, टच करने से चल जाता है, टच करोगे ऑफ हो जाएगा, चलेगा ऑफ होगा। बाकी ये कटन भी रहते हैं, पता है आपको धूप आता है, आप इसको नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और सीट की रिक्लाइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप इसको ऐसे करके रिक्लाइन कर सकते हो। लेकिन हमारा सीट जो अभी पीछे वाला ये रिक्लाइन नहीं करेगा, नहीं सकता। बाकी सामने आपको फुट रेस्ट मिल जाएगा। भाई शॉर्ट्स में ही जर्नी कर रहे हैं, पता है गर्मी का सीज़न है तो शॉर्ट्स में ही जर्नी कर रहे हैं, मज़ा आता है शॉर्ट्स में जर्नी करने में। बाकी चलिए अगला स्टेशन आता है, फिर आपसे अच्छे से बात करते हैं डिटेल में इस रूट के बारे में। अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट आ रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
डिब्रूगढ़ से चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले कमर्शियल हॉल्ट पे धेमाजी रेलवे स्टेशन। तीन प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन ये NFR जोन में आता है, डिवीजन हो गया तिनसुकिया। बाकी ब्रिज देख के किस किस को मजा आया कमेंट में एक बार बताइएगा ज़रूर, और क्या इस ब्रिज के बारे में आप लोगों को पता था ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर। इसी तरह के रूट को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका भाई जो एकदम प्योर रेल फैन है, तो इसी तरह के ब्लॉग और कंटेंट मैं आप लोगों के लिए शूट करते रहता हूँ। चलिए अब चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमारी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट बिफोर आई है, तो 10 मिनट रुकने वाली है, तो 10 मिनट बाहर रहने का कोई मतलब नहीं बनता, पसीना पसीना। वैसे बारिश का उम्मीद था लेकिन बारिश अभी तक आया नहीं है। हाँ, सुबह पर डिब्रूगढ़ में जब हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे 10-11 बजे के आसपास बहुत ज़ोरदार की बारिश आई थी। बाकी अब चलिए चल रहे हैं अंदर, भाई बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है, देख लीजिए धूप बहुत तेज़ हो रहा है। ट्रेन हमारी निकल पड़ी यहाँ से धेमाजी रेलवे स्टेशन से, और नज़ारे देखो आप, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, जबकि धूप है फिर भी इतना कमाल का नज़ारा। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मज़ा आने वाला इस ट्रिप में, बट ये कमाल का रूट होने वाला है। मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है अब तक तो फिलहाल। आई होप आप लोगों को भी वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी देखिए सामने अपनी WDP4 इंजन किस तरह से कर्व ले रही है और मेन ट्रैक्स पे आती हुई। तो भाई नॉर्थ ईस्ट की कमाल की खूबसूरती, और ये गर्मा गर्म चाय और समोसा मिल जाए तो क्या बात, मज़ा आ जाता है। हम तो सो गए थे लेकिन वो भैया आए थे समोसा वाले, समोसा समोसा और चाय कर रहे थे, तो हमसे रहा नहीं गया। आपको पता है बिहारी लोग हैं भाई, समोसा का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। ये समोसा ले लिए थे, वैसे बेसिकली ये साइज़ बहुत छोटा है लेकिन अब टेस्ट करके बता देते कैसा है। भाई कमाल का समोसा, भाई बेसिकली इसके अंदर जो फीलिंग है ना, ऑनियन का फीलिंग है, प्याज का फीलिंग किया गया, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आ रहा है इसका। और यह गर्मा गर्म चाय, ये चाय जो भी है आसाम का स्पेशल चाय है, ये नींबू का चाय नहीं है, कलर देख लो इसका, ये नींबू का चाय नहीं है, ये आसाम का स्पेशल चाय है। चाय भी कमाल का लग रहा है, ब्लैक टी बोल सकते हो आप इसको, आसाम वाला। ये ले ले, ये समोसा जो है कमाल का है। चलिए इसको फिनिश करते हैं फटाफट और आपको नज़ारे दिखाते हैं, इस नज़ारे के साथ समोसा का अलग ही मज़ा है भाई। नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन हो और आपको चाय का बगान ना मिले, हो ही नहीं सकता। देखिए सामने सामान्य हमारे रेलवे ट्रैक्स के बगल बगल में चाय का बगान है, आप इसको चाय का खेत भी बोल सकते हो, और दूर दूर तक फैला हुआ है। निर्धारित समय से 20 मिनट बिफोर पहुंची हमारी ट्रेन उत्तर लखीमपुर, स्टेशन कोड हो गया NLP, डिवीज़न हो गया तिनसुकिया, जोन हो गया NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। और मौसम जो हो रहा है ना, कमाल का मौसम हो रहा है, हालांकि बारिश नहीं हुआ लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मौसम में नमी है, हवा में नमी है, मौसम आप देख लो क्या ही शानदार खूबसूरत मौसम हो रहा है। और इस मौसम में जर्नी करने का जो चीज़ चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा बारिश, लेकिन ये चीज़ देख के ना आप जाकर थोड़ा बहुत दिल को तसल्ली तो मिल रहा है कि चलो मौसम बहुत सही हो रहा है। कि ट्रेन यहाँ पे बिफोर आई है, 5 मिनट का स्टॉप है, 20 मिनट बिफोर आई है, तो 25 मिनट गाड़ी हमारी यहाँ पे रुकने वाली है। खाने पीने का ऑप्शन यहाँ पे स्टॉल सारे खुले हुए हैं, चलते हैं देखते हैं स्टॉल पे क्या क्या आपने को मिलने वाला है यहाँ पे। हालांकि जो मैं समोसा ट्रेन के अंदर लिया था ना, ऑनियन फीलिंग वाला, कमाल का लग रहा था, तो वही ट्राई करूँगा एक बार फिर से, अगर मिले ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो खा के बहुत ही मज़ा आया था, तो एक बार और अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। वही चलिए वही देखते हैं, अगर मिल जाता है समोसा ऑनियन फीलिंग वाला तो और मज़ा आ जाएगा हमारा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन को यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। सिलीगुड़ी लोको सेट का ये हमारा WDP4D लोको इंजन लगा हुआ है, जिसका साउंड आप सुनो कितना अच्छा आता है। टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो एज ए रेल फैन आपको एक बार लोको ज़रूर दिखा देते, क्योंकि जब डिब्रूगढ़ से हमारी ट्रेन खुल रही थी तो वहाँ पे 1 नंबर पे आने वाली थी ट्रेन, लेकिन 4 नंबर पे अनाउंसमेंट के बाद आने के बाद भागा दौड़ हो गया था, तो अच्छे से लोको आपको नहीं दिखा पाए थे आपको यहाँ पे, तो अभी आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा देते हैं लोको। देख लीजिए WDP4D
सिलीगुड़ी लोको शेड का लगा हुआ है जिसका नंबर हो गया 40403। डीजल इंजन है, कितना खतरनाक लगता है देख लीजिए। एक टाइम पे अपने इंडियन रेलवे पे राज करती थी, और आपको बता दें NFR में आज भी ये लोको इंजन राज करती हैं भाई। तो इस लोको के लिए एक लाइक तो बनता है बनता है। और मौसम देख लो भाई, एकदम कमाल का हो रहा है मौसम। टाइम बहुत ज़्यादा था, जैसे कि हम आपको बताएं 20 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन आई है, 5 मिनट का स्टॉप है, तो कुल मिला के 25 मिनट अपने पास टाइम था। तो इसी में हमने आपको लोको भी दिखाया, और देखिए स्टेशन से बाहर आ गए हैं ताकि आपको स्टेशन का बाहर का भी लुक दिखा दिया। यहाँ पे भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है अपने स्टेशन नॉर्थ लखीमपुर पे। बाकी बाहर यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के बाहर के स्टेशन पे अगर आप आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। तो सोच समझ के आना, नॉर्थ ईस्ट का भी आना। तो वैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती जो है वो कमाल की है। मैं आपको ट्रेन जर्नी से दिखा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती, मौका मिलेगा तो कभी नॉर्थ ईस्ट के शहरों के बीच में भी जाके आपको वो सारी चीज़ भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। चलिए अब चलेंगे अंदर, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रहना भी सही नहीं है, कब हमारी ट्रेन खुल जाए, तो इस वजह से चलते हैं अंदर। तो ये 25 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन एक बार फिर से चलने को तैयार हो चुकी है नॉर्थ लखीमपुर से। अच्छा खासा टाइम यहाँ पर रुक गई थी ट्रेन, हम बाहर भी गए थे, बाहर का भी क्लिप हमने आपको दिखाया। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो, आप इस ट्रेन की प्रायोरिटी अंदाज़ा लगा सकते हो, पंक्चुअलिटी अंदाज़ा लगा सकते हो। हर एक स्टेशन पे बिफोर पहुंच रही है, अच्छा खासा अपने को हॉल्ट देखने को मिल रहा है। टाइमिंग जो है 5 मिनट का कहीं अगर हॉल्ट है तो 20 मिनट बिफोर पहुंच रही है, तो 25 मिनट का हो जाता है, पूरा टाइम हो जाता है आप लोगों के लिए। अच्छे से कवर कर रहे हैं स्टेशन हम लोग यहाँ पे। अभी ट्रेन निकल पड़ी फिर से, एक बार बढ़ पड़ी हमारी ट्रेन। और यहाँ देखिए सामने मेला लगा हुआ है, ये देखिए मेला लगा हुआ है। इस वाले झूला पे कौन कौन झूला है कमेंट में बताइएगा, डर लगता है या नहीं लगता आप बताइएगा, हमको तो डर लगता है इस पे। ये है अपना मौत का कुआं, मौत का कुआं कौन कौन लोग देखे हैं मेला में ये भी बताइए कमेंट में। और आप लोग के रीजन में कौन सा सबसे बड़ा फेमस मेला लगता है, उस मेले का भी नाम बताइएगा ज़रूर। बाय। तो ये है हमारे नॉर्थ ईस्ट का प्यार, लोग मतलब कितना खुश होते हैं ना, वीडियो बनाता है कोई देख कितना खुश होते हैं, मतलब क्या ही बताओ आपको, कैमरा देखते ही टाटा हेलो हाय। तो ये प्यार है भाई, ये इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाईचारा बनाओ, दोस्ती बनाओ, सफ़र के मज़े लो। सिग्नल ग्रीन है अपनी ट्रेन का, जैसी हमारी लोको वहाँ पर पहुँचेगी रेड हो जाएगा भाई, रेड ना हुआ, ये हो गया रेड। चलिए एक बार फिर से चलते हैं अब अपने सीट पे अंदर, मोबाइल वोबाइल थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, बैटरी थोड़ा कम हो गया है, 20% हो गया मेरे मोबाइल का बैटरी, चलिए चार्ज कर लेते हैं अब। बाकी देख लीजिए नज़ारे, सुंदर सुंदर घर, मौसम हो रहा है, नज़ारे खूबसूरत हैं। भाई हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरमौती जंक्शन रेलवे स्टेशन, दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि अभी हम डिब्रूगढ़ वाली लाइन से आ रहे थे, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोकल रिवर्सल होगा और नाहरलगुन वाली पे बढ़ जाएंगे, इस वजह से इसको जंक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। बाकी डिवीजन की बात की जाए तो रंगिया डिवीजन में आता ही है रेलवे स्टेशन, जोन हो गया NFR। तो चलिए चलते हैं अब आपको जो पीछे से हमारा लोको कटने वाला है वो दिखा देते हैं, और फिर चल के कपलिंग दिखाएंगे। लोको रिवर्सल भी होने वाले हैं, तो लोको को हटा दिया गया है, यही लोको जाके अब पीछे लगेगी और हमारी ट्रेन यहाँ से नाहरलगुन की तरफ बढ़ेगी। देखिए अभी तक तो सबसे आगे हम थे, और अभी एक रिवर्सल हुआ और हम अब सबसे पीछे चले जाएंगे। तो इससे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि कभी भी ज़िंदगी में खुद पे घमंड नहीं होना चाहिए कि हम आगे थे, बस एक रिवर्सल लोको रिवर्सल हुआ और अब हम सबसे पीछे चले गए, यही होता है भाई। चलिए अब चल के आपको लोको की कपलिंग भी दिखा देते हैं साथ के साथ। ये लोको गया, कपलिंग हो रहा है अब ट्रेन के साथ, ये हो गई भाई कपलिंग। तो भाई हमारी जर्नी तो ऐसी चेयर कार में चल रही है, लेकिन चलिए आपको इसका सेकेंड सीटिंग का सीटिंग अरेंजमेंट दिखा देते हैं। ओ देरी, देखिए क्या ही खूब इंटीरियर इसका अंदर से बनाया गया है, इस तरह की लिवरी में तो मैंने आज तक कभी किसी सेकंड सीटिंग का इंटीरियर नहीं देखा। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फूड काउंटर भी लगाया हुआ है, यहाँ पे फूड सर्व किया जाता होगा, अभी फ़िलहाल बंद है, यहाँ पे कोई स्टाफ खड़े रहते होंगे, और यहाँ पर सारा फूड
पैसेंजर को सर्व किया जाता हो। बाकी अंदर का इंटीरियर जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल कमाल का। कैसा इंटीरियर है इसका? लाजवाब ना, प्योर शानदार। तो फाइनली लोकल रिवर्सल होने के बाद 20 मिनट रुकने बाद हमारी ट्रेन यहाँ से एक बार फिर से चलने को तैयार है नाहरलगुन के लिए। हरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी हमारी ट्रेन। बाकी यहाँ का मौसम और ये स्टेशन क्या खूब लगता है, देख लीजिए मौसम। आप छोटा सा रेलवे स्टेशन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, इसीलिए आपको भी बोलता हूँ अगर कभी नॉर्थ ईस्ट आओ तो इन सब चीज़ों को कभी मिस मत करना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। तो एक बार अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कब आ रहे हो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने, कमेंट में बताना ज़रूर। चलिए फिर चलते हैं अपने सीट पर। यही अपनी सामने वाली डिब्रूगढ़ वाली लाइन, अभी हम उसी से आ रहे थे और हम अब बढ़ गए हैं नाहरलगुन वाली लाइन पर, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, हरमती जंक्शन। थोड़ा सा ये चीज़ सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलेगा। ये खूबसूरती, ये वाइब्स कहीं आपको नहीं मिलने वाले। पूरे इंडियन रेलवे के रूट में अगर आपको ये वाइब्स मिलने वाले तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलेंगी। और हमारी ट्रेन भी अब एंटर कर चुकी है अरुणाचल प्रदेश में। वाओ, क्या व्यू है। आई होप आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा क्योंकि शाम हो चुका है, लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, कमाल का व्यू आ रहा है। भाई पहुंच चुके हैं नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। और आपको बता दें नाहरलगुन जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है, तो एक बार आप सभी को वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। और इसका जो कैपिटल सिटी है वो है ईटानगर। तो लोग ईटानगर जाने के लिए नाहरलगुन आते हैं। और एक चीज़ आपको बताएंगे, नाहरलगुन अगर आप कभी आ रहे हो अरुणाचल प्रदेश आ रहे हो तो आपको यहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जो कि बिल्कुल पास में ही है, स्टेशन पर ही बन जाता है और आप ऑनलाइन भी करा के आ सकते हो। चलो सबसे पहले हम अपना इनर लाइन परमिट बना लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है। जब आओगे ना, दो नंबर पर हमारी ट्रेन आई थी सीढ़ी, जब आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश, और इस पर भी लिखा हुआ है कि आपको अरुणाचल में प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट अनिवार्य है। तो यहीं पे बन जाता है आपका इनर लाइन परमिट। ये याद रखना, ब्लू वाला होगा, ब्लू टाइप का ऐसे बनेगा। और देखो यहाँ पे हमने भी अपना इनर लाइन परमिट बना लिया है भाई। चलिए अब चलते हैं बाहर और एक्सप्लोर करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और इसको बनाने के लिए एक चीज़ और बता देते हैं, सिर्फ 110 रुपये हम बन जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट में ही आप यहाँ पे, आप टाइम लगा अपने को 10 मिनट में बन गया था हमारा। वैसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन हम तो ऑनलाइन नहीं किए थे, डायरेक्ट आए थे यहाँ, ऑफलाइन नहीं बना लिए थे। सिर्फ 10 मिनट में बन गया था हमारा, 110 रुपया चार्ज लगता है इसका। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले जर्नी में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।